नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपका दोस्त वंडरर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो नॉर्थ बंगाल जल्दापाड़ा अभयारण्य के पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अरुण्य टूरिज्म प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है। यहाँ का रूम चार्जेस, रेस्टोरेंट चार्जेस, बाकी सभी डिटेल्स हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रॉपर्टी में दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एक वुडन ब्लॉक एक ब्रिक ब्लॉक। हम वुडन ब्लॉक में एसी डिलक्स डबल रूम लिए थे जिसका रूम चार्ज 2800 पड़ा था। और ये है हमारा रूम जो अभी हम आपको घूम के दिखाएंगे। काफ़ी स्पेसियस रूम है। रूम के अंदर टीवी, एसी, बाकी सभी नॉर्मल एमिनिटीज़ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टेबल, चेयर, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क, टी, सुगर शैशे, सब कुछ अवेलेबल है। इस रूम का एक बेस पार्ट है, इसमें एक कॉर्नर एरिया भी है, ये अलग से एक बड़ा सा मिरर और कवर्ड है, ऊपर फैन भी है। तो लेडीज़ लोगों के लिए मेकअप एरिया जैसा एक बनाया है, तो ये एक अलग बेनिफिट है। चलिए अभी हम आपको टॉयलेट दिखाते हैं। बहुत साफ़ सुथरा क्लीन टॉयलेट है। गीज़र और जितने सारे एमिनिटीज़ चाहिए होता है वो सब कुछ अवेलेबल है। टॉयलेटरीज भी यहाँ पे है। रूम वाइज क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सभी रूम कुछ ऐसे ही है अगर आप वुडन ब्लॉक में बुक करते हो तो, और ब्रिक ब्लॉक में भी रूम क्वालिटी सबको कुछ ऐसा ही मिलेगा। कैटेगरी वाइज वो अलग है, रेट्स अलग है, लेकिन क्वालिटी ऐसा ही मिलेगा आपको। और ये है इस रूम का बेस्ट पार्ट, बैल्कनी, और बैल्कनी से इतना खूबसूरत व्यू। वो आगे इस प्रॉपर्टी का मेन गेट, मेन गेट से अंदर आते ही सीधा जो ब्लॉक आएगा वो है वुडन ब्लॉक जहाँ पे अभी हम हैं। और इसी ब्लॉक में आपको यहाँ का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में वुडन ब्लॉक में रूम्स अवेलेबल है और रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर में ही है, वो भी हम आपको घूम के दिखाएंगे। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर में कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज के रूम्स अवेलेबल है। जब आप वेबसाइट से बुकिंग करोगे तब आपको सभी अलग अलग कैटेगरीज का रूम दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, और वहाँ का चार्ज भी आपको दिख जाएगा, तो उस हिसाब से आप बुकिंग करना। और एक चीज़ ख्याल रखना दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो आपको उसी वेबसाइट से बुकिंग करना है, किसी अलग तरीके से फ़ोन कॉल से ऐसे बुकिंग नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हो ये ब्रिक ब्लॉक है, नॉर्मल जैसे होटल होते हैं वैसे ही है। और रूम क्वालिटीज़ भी जैसे मैंने आपको दिखाया डिलक्स रूम वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं इस प्रॉपर्टी का जो रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में जाते ही राइट साइड में रूम्स और लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट मिलेगा। रेस्टोरेंट के अंदर इन लोगों का मेन रिसेप्शन एरिया, चेक इन चेकआउट के टाइम में आपको यहीं पे आके बात करना होगा। तो चलिए आपको रेस्टोरेंट भी घूम के दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे रूम सर्विस जब हम आए थे अवेलेबल नहीं था, तो अगर आपको रूम सर्विस चाहिए तो आप एक बार कॉल करके या रेस्टोरेंट में आके बात कर लेना। प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। जल्दापाड़ा अभयारण्य हम देखने गए थे, उसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। कार सफारी, एलिफेंट सफारी, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल में। तो हम यहीं पे रहे थे, यहीं से गाड़ी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत पास में ही है, तो आप यहाँ पे आके आराम से रह सकते हो। प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है और रेट वाइज काफ़ी रिजनेबल भी है, कंफर्टेबल भी है। वैसे दोस्तों हम यहाँ पे टूर करने से पहले बक्सा टाइगर रिजर्व में भी गए थे, उसका वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। ये हम जा रहे हैं मेन रेस्टोरेंट के अंदर। काफ़ी वाइड एरिया है और कभी कभी यहाँ पे बफे अरेंजमेंट भी मिल जाता है, लेकिन आज बफे अरेंजमेंट नहीं है तो हम अला कार्ट में ही ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे
क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में वो हम आपको दिखाएंगे और मेनू कार्ड के साथ उसका रेट्स भी दिखाएंगे। वैसे इस प्रॉपर्टी के पास एक और भी प्रॉपर्टी है यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी में, जिसका नाम है बाबूशोना होम स्टे। वहाँ पर भी हम एक दिन रहे थे, तो आप वो प्रॉपर्टी का वीडियो भी देख सकते हो। वो भी काफ़ी खूबसूरत है और रेट वाइज काफ़ी रिजनेबल है। ये कुछ यहाँ का पॉलिसीज, थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो। वैसे दोस्तों इस प्रॉपर्टी में रहने का एक और भी बेनिफिट है, अगर आपको जौलदापाड़ा अभयारण्य घूम के देखना है तो उसके सारे फॉर्मेलिटीज़ जो आप ऑनलाइन करके आते हो या फिर ऑफलाइन यहीं से कर सकते हो, वो सभी काउंटर्स आसपास ही है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रॉपर्टी के अंदर आसपास आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर बनाना और ऑमलेट, पूरी सब्जी भी है। कौन से आइटम का क्या रेट है वो हम आपको मेनू कार्ड के साथ शेयर करेंगे। ये लंच आइटम हम लोगों ने एक थाली भी लिए थे, ये आ गया वो थाली जिसमें दाल है, अंडा है, एक मिक्स्ड वेजिटेबल है, सलाद है और चटनी है, और राइस क्वांटिटी ठीक ठाक है। ये आ गया चिकन थाली जिसमें आलू भाजी, राइस, चिकन, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, चटनी और सलाद अवेलेबल है। ये इन लोगों का मेनू कार्ड आप चाहो तो थोड़ा स्लो करके या पॉज करके इसको देख सकते हो, आपको रेट्स का डिटेल आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर का टाइमिंग भी देखने को मिल जाएंगे। अभी आप थोड़ा पॉज करके इस प्रॉपर्टी का जो डिफरेंट कैटेगरीज रूम्स है उसका डिटेल्स और रेट्स चेक कर लीजिए। जब आप बुक करोगे तब आपको एग्जैक्ट फेयर दिखेगा, हम जब बुकिंग किए थे तब ये फेयर था। ये वेबसाइट लिंक, यहीं से आपको बुकिंग करना होगा। ये वेबसाइट से कैसे बुकिंग करना है इसका डिटेल भी देख लीजिए, इसी वेबसाइट से आपको बुकिंग करना होगा। मैंने जौलदापाड़ा सिलेक्ट किया है। नीचे और भी क्राइटेरियाज है जैसे कि प्राइस रेंज, फैसिलिटीज़, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि वो सब सिलेक्ट करने से ऑप्शंस कम हो जाएंगे। आपको अगर जौलदापाड़ा के आसपास दूसरा भी ऑप्शन देखना है तो सिर्फ जौलदापाड़ा सिलेक्ट कीजिए, उसमें आपको और अन्य प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारे अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले जौलदापाड़ा सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद और अन्य प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करने के बाद रैंडम डेट सिलेक्ट करना पड़ा और फिर नीचे जो रूम क्राइटेरियाज है वो सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम 5 रूम आप बुक कर सकते हो और एक ही कैटेगरीज के कितने सारे रूम बुक करना है वो भी आप एक बार यहीं से चेक कर लेना। रूम सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट करना होगा, उसके बाद जो भी डिटेल्स चाहिए होगा आपको देना पड़ेगा। वैसे अगर आपने इस वेबसाइट में पहले से ही लॉगिन कर लिया है तो आपका डिटेल देके लॉगिन कर सकते हो, या फिर रजिस्टर नाउ करके बाकी सब डिटेल डाल के आप रजिस्टर करके उसके बाद बुकिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना ख्याल रखना दोस्तों और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू दोस्तों।